हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 273 सीटों पर जीत मिली, जबकि सपा गठबंधन ने यूपी विधानसभा की कुल 403 सीटों में से 125 सीटों पर जीत दर्ज की। आप सभी जानते होंगे कि 10 मार्च को मतगणना के दिन सभी न्यूज़ चैनलों ने शुरुआती रुझान से लेकर अंतिम परिणाम आने तक भाजपा को ही आगे दिखाया था। शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट पर आधारित होते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होती है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की शुरुआत में ही अधिकांश चैनलों ने रुझानों में भाजपा को करीब 100 सीटों पर आगे दिखाया था, जबकि सपा के करीब 40 सीटों पर बढ़त दिखाई गई थी। मगर चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मतगणना के आंकड़ों की पड़ताल में पोस्टल बैलेट के रुझान की इससे उलट तस्वीर सामने आई है। जब हमारी टीम ने कुल 403 सीटों के पोस्टल बैलेट मतों का विश्लेषण किया तो पता चला कि पोस्टल बैलेट में भाजपा गठबंधन कुल 403 सीटों में से सिर्फ 80 से 85 सीटों पर ही आगे था। लगभग 310 से 315 सीटों पर सपा गठबंधन पोस्टल मतों की गिनती में आगे था। 4 से 5 सीटों पर अन्य दल आगे थे। 1 सीट पर भाजपा और सपा के पोस्टल मतों की संख्या बराबर थी। खास बात यह है कि सपा को सबसे अधिक पोस्टल मत मिले हैं। इससे एक बात साफ है कि पुरानी पेंशन बहाली के वादे की वजह से इस चुनाव में कर्मचारी वर्ग का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ था और उन्होंने सपा के पक्ष में बम्पर वोटिंग भी की। हालांकि ईवीएम मतों की गिनती में सपा गठबंधन पिछड़ गया,